विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर राजधानी के बिड़ला सभागार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की, तो कार्यक्रम की अध्यक्षता चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने की। इस दौरान चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, विधायक गंगा देवी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि तंबाकू के रोकथाम को लेकर राजस्थान सरकार सकारात्मक कदम उठा रही है। यही कारण है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जनता तंबाकू के नुकसान को जानते हुए भी इसका सेवन कर रही है, इसलिए पहले तंबाकू को सार्वजनिक जगहों पर बंद किया गया और अब ई सिगरेट को राज्य में पूरी तरह से बैन किया गया है। सीएम ने सभी से तंबाकू का सेवन नहीं करने की अपील भी की है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने तंबाकू निषेध के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। एक बहुत बड़ी बीमारी मैंने राजस्थान में जब मुख्यमंत्री महोदय ने एक बड़ा फैसला राजस्थान के लिए किया है कि जो हमारी नौजवान पीढ़ी ई सिगरेट की गिरफ्त में थी, जिसमें निकोटीन भी काफ़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में होता है, तो एक तरह से सिगरेट और ई सिगरेट में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसके बारे में एक साल से ये विचाराधीन था सरकार के सामने मामला। जैसे ही मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये मामला आया, क्योंकि हमारी सरकार तो अभी 3-4-5 महीने पहले ही बनी है, हमने मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ और एक कमिटमेंट के साथ इस निर्णय को अपनी स्वीकृति दी कि यह राजस्थान में लागू होना चाहिए। और हमें कुछ मुझे बहुत पसंद आया कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस के शुभ अवसर पर मुझे भी इस समारोह में सम्मिलित होने का अवसर मिला। और जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि क्या परिणाम होते हैं तंबाकू के सेवन से, हम जानते हैं, उसके बावजूद भी कितने लोग तंबाकू सेवन करते हैं, किस रूप में करते हैं और उसके परिणाम क्या होते हैं वो भी हम लोग जानते हैं, देखते हैं। मरीजों को हॉस्पिटल के अंदर कैंसर होते हुए देखते हैं, कितनी पीड़ा होती है, मुश्किल से कोई छोड़ पाता है, मुश्किल से छोड़ पाता है।